सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद दें, और पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश में जो जनता का मूड देखने को मिल रहा है, एक तरफा कमल का फूल खिल रहा है। सपा बसपा कांग्रेस का कहीं आता पता नहीं। बीएसपी सुप्रीमो ने अभी ट्वीट किया, मायावती ने लिखा कि सरकार को सबक सिखाने के लिए बीएसपी को लोग वोट करें, जन विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी होती तो देश और प्रदेश में इतनी बड़ी विजय के साथ सरकार नहीं चला रही होती। चाहे वह सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन तीनों दलों को उत्तर प्रदेश की जनता नकार चुकी है। और उत्तर प्रदेश में भारी अंतर से नगर निकाय के चुनाव में 2023 के चुनाव में भी जीत होगी और 2024 में भी चुनाव के जो लोकसभा के चुनाव उसमें भी जीत होगी, क्योंकि यह 2023 का चुनाव की विजय का एक तरह से ये शंखनाद है और 2024 के लिए तैयारी की शुरुआत है। समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि भारतीय जनता बातें करने लगी। देखिए, समाजवादी पार्टी इस समय बौखलाई हुई है और उनको जो मेरी जानकारी है, जहाँ से श्री अखिलेश यादव जी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं कन्नौज में, वहाँ की नगर पालिका में भी समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। वहाँ भी सपा लड़ाई में नहीं, वहाँ भी जो थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ रही है वो बसपा लड़ रही है। वही हाल सपा का पूरे प्रदेश में है। कोई भी नहीं चाहता है उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी की वापसी हो। सभी लोग चाहते हैं कि सुशासन भी हो, सुरक्षा भी हो और विकास भी हो, और यह भाजपा कर सकती है। जिन लोगों ने लूट खसोट की है उसकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी भाजपा ही करेगी। और जब हमारी डबल इंजन की सरकार है तो हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगते हैं और तिगुनी रफ्तार से विकास का वादा भी करते हैं। 13 मई को क्या होगा? 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।